महामंडलेश्वर की पैदल नर्मदा यात्रा नरसिंहपुर जिले के प्रवेश करने वाली है। इसी सिलसिले में नर्मदा समिति के अध्यक्ष भैयाजी रावत ने मध्य प्रदेश सरकार से जखोली घाट यात्रा में शामिल होने के लिए मुलाकात की। भैयाजी रावत ने मंत्री रामपाल के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जखोली घाट आने के लिए निमंत्रण दिया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज ने आश्वासन दिया है कि आने की पूरी कोशिश करेंगे। उत्तम स्वामी महाराज और ईश्वर आनंद महाराज की नर्मदा परिक्रमा पैदल यात्रा 14 नवंबर एकादशी को आवरी घाट से शुरू हुई थी। तपन भौमिक ने बताया कि महाराज के साथ 125 लोगों ने नर्मदा परिक्रमा का संकल्प लिया है। गैर राजनीतिक यात्रा देश में संपन्नता, सुख समृद्धि, खुशहाली, शिक्षित होने के लिए निकाली जा रही है। मुझे मानव नर्मदा समाज सेवी संस्था में जो हमारे अध्यक्ष जी श्री भैया जी रावत, हमारे संयोजक जी श्री राजेश जी जैन ने जो मुझे जवाबदारी दी है, नर्मदा सेवा समिति में केंद्रीय उपाध्यक्ष की जो जवाबदारी मुझे दी है, उसके लिए मैं बड़ी निष्ठा से और कर्मठ भाव से माँ जगत जननी की सेवा में हमेशा तत्पर रहूँगा। माँ जगत जननी की मैं अभी हमने सोचा है कि घाटों में सफाई, वृक्षरोपण और जो लोग आके उन्हें दूषित करते हैं उसकी एक टीम गठित करते हुए, युवा पीढ़ी की टीम गठित करते हुए माँ जगत जननी के सफाई अभियान को आरंभ करने जा रहे हैं। हम महर्षि उत्तम स्वामी जी महाराज की परिक्रमा जो मध्य प्रदेश में चल रही है, वो पहले जिला के चार पड़ाव थे, हीरापुर, किरपानी, बरमान और फिर अगला हीरापुर। अब लौटकर परिक्रमा महाकौशल जबलपुर से फिर जिला में प्रारंभ होने जा रही है, जिसका न्योता हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को दैनिक भोपाल गए थे। मैं जिला का यात्रा प्रभारी हूँ और हमारी संस्था के सभी लोगों से बैठकर चर्चा हुई तो मुख्यमंत्री जी को न्योता देने गए थे। महामंडलेश्वर जी की परिक्रमा यात्रा की बरमान पड़ाव पर संभवतः माननीय आरएसएसएस के राष्ट्रीय संचालक माननीय भागवत जी की आने की संभावना है। और जो संकेत यात्रा प्रभारी माननीय रावत जी को मिले हैं कि बरमान में भागवत जी 2 घंटा तक यात्रा में रहेंगे और शायद अपना उद्बोधन भी देंगे और यात्रा को आगे बढ़ाने का